आप देख रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज़। युवा मंच ने शासकीय शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, टीकमगढ़ में युवा मंच जिला इकाई द्वारा जिला संयुक्त कार्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सरकारी सेवारत शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। जिले में विभिन्न सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक अपने कार्य में लापरवाही एवं प्राइवेट कोचिंग में छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। इस एवज में बच्चों को मोटी फीस वसूली जा रही है, जो सरकार से वेतन प्राप्त कर खाना पूर्ति करने से अपनी संस्थाओं में आ जाते हैं। पता नहीं ज्ञापन के माध्यम से सरकारी सेवारत शिक्षकों पर कार्रवाई करने को लेकर युवा मंच इकाई द्वारा तहसीलदार सहित तहसीलदार जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। देखिए हमीरपुर टाइम्स पर जमील खान के साथ विशेष रिपोर्ट। समिति बनाकर सब लोग जो मोटी मोटी फीस ले रहे हैं उसी को लेकर आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार महोदय क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और हम लोग तो बेटा कम से कम एक साल से किसी पे लगातार आवेदन दे रहे हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए किसी तहसीलदार सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हाँ जल्द से जल्द कार्रवाई।